मैं देख रही हूँ अपने लिए व्हाइट शूज और मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। आप लोग के रमज़ान कैसे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बहुत दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं आया, आई थिंक 10-15 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। एक तो रमज़ानों में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था और थोड़ा सा ऊपर नीचे स्केड्यूल हो गया था इसकी वजह से, और दूसरा थोड़ा सा दिल भी नहीं था कि कोई व्लॉग मैं शूट करूँ, तो इसकी वजह से कोई भी व्लॉग फ़िलहाल मैं शेयर नहीं कर पाई। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। तो ईद जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाली है, नज़दीक है बिल्कुल, तो इसके लिए बस थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं अपने फेवरेट मॉल। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, एक साल हो गया मुझे व्लॉग्स बनाते हुए, तो आप लोगों को पता होगा हमारा गो टू मॉल रियाद गैलरी मॉल है, तो हम लोग वहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं। और ईद के लिए कुछ सरप्राइज़ भी है, हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो वो सारे व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप इस व्लॉग को उतना ही प्यार दीजिए जैसा कि हमेशा देते आए हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम लोग निकले थे घर से 11:15 बजे। रमज़ान में यहाँ पर सब कुछ सहरी तक ओपन रहता है, चाहे वो मॉल्स हो या फिर वो फार्मेसी हो या फिर कोई एक लोकल सी शॉप ही क्यों ना हो। मॉल जाने से पहले हम लोग पहुँचे फ़ोटो स्टूडियो, क्योंकि हमें फाजू की फ़ोटो चाहिए थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ईद पर कहीं बाहर जाने का प्लान है, तो उसके लिए फाजू की सिर्फ फ़ोटो लेना रह गया था, तो यहाँ उसी के लिए आए थे हम लोग। फाजू का फोटो शूट फाइनली ओवर हो चुका है। बहुत प्लेन फेस चाहिए था, वो बार बार हंसे जा रहा था, तो रीटेक्स के बाद में फाइनली वो हो गया। बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली हमको पार्किंग स्पॉट अपनी मिल गई। इतनी ज़्यादा आज रश है यहाँ पर, इतना ज़्यादा रश है कि पार्किंग मिल ही नहीं रही थी। हम लोगों ने उधर पांडा की साइड से हमने एंटर किया था। कहाँ से किया था? हाँ, हमने मतलब ऑपोजिट साइड से एंटर किया था, और वहाँ से हम घूमते अब फाइनली पांडा की साइड आ गए, और अब आकर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक पार्किंग स्पॉट मिली है। काफ़ी देर हम लोगों को पार्किंग के लिए मशक्क़त करनी पड़ी, जिसकी वजह से अच्छा खासा टाइम हो गया था। 12 आई थिंक बज गए थे मॉल पहुंचते। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे फूड कोर्ट और कुछ खाएंगे, क्योंकि घर से भी हम लोग कुछ खाकर निकले नहीं थे, और वैसे भी रमज़ानों में मॉल जो है ना वो कम से कम 2:30-3 बजे तक तो ओपन रहते ही हैं। तो इसके लिए हम लोग पहुँचे फ़ूड कोर्ट सबसे पहले, और जैसा कि हमने पार्किंग के लिए बहुत मेहनत करी, तो मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ूड कोर्ट में भी कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं है। तो पहले ये डिसाइड हुआ कि खाना ले लेते हैं और उसके बाद में फिर जगह ढूंढेंगे कहाँ बैठा जाए। रमज़ान के मौके में सऊदी में इतनी अच्छी डेकोरेशंस देखने को मिलती हैं, चाहे वो मॉल्स हों, रोड्स हों, या फिर छोटे छोटे बकाले रहते हैं वहाँ पर भी, तो बड़ा अच्छा लगता है ये देख कर। अच्छा कहिए, आपके रोबन कर रहे। फाइनली हमारा डिनर यहाँ पर आ चुका है। जब तक हमारा डिनर नहीं आया था, हम लोग शाजू और मैं अपना टाइम पास कर रहे थे, ऐसी गेम खेल रहे थे, और हम लोग को अब ऑर्डर के लिए ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। गरम मसाला जो यहाँ पर एक शॉप है रियाद गैलरी मॉल में, वहाँ पर ज़्यादा मतलब ऑर्डर के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर लिटरली काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस बार हम लोगों ने पूरा अपना डिनर जो है वो गरम मसाला से ऑर्डर किया है, और यहाँ पर लिया है चिकन टिक्का विद ग्रेवी, रोटी है, बिरयानी है, और यहाँ पर ये है ग्रिल्ड आइटम आई थिंक। गरम मसाला की बिरयानी तो मुझे हमेशा यहाँ की पसंद आती है, लेकिन मुझे यहाँ का ग्रिल्ड आइटम भी बहुत अच्छा लगा, और चिकन टिक्का विद ग्रेवी भी बहुत अच्छा है।
डिनर करके हम लोग फ्री हुए आई थिंक अराउंड 1:30 बजे तक, और मॉल में अभी भी खूब चहल पहल है। और रमज़ान के मौके पर जो शॉप्स होती हैं मॉल्स में या फिर कहीं और पे भी, वो 2:30 बजे तक तो ओपन रहती ही हैं, और जो बकाले रहते हैं वो 3 बजे तक ओपन रहते हैं। तो इस तरीके की बड़ी सहूलियत हो जाती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर है सेंटर पॉइंट। रियाद गैलरी आते हैं तो सेंटर पॉइंट जाना बिल्कुल लाजमी होता है, क्योंकि सेंटर पॉइंट एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पर अपैरल से लेकर होमवेयर आइटम्स तक सब कुछ मिल जाता है। सेंटर पॉइंट में फ़िलहाल आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट रमदान कलेक्शन ऑन जेंट्स, लेडीज़ एंड किड्स वेयर। एंटर होते ही मुझे यहाँ पर दिखे ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन्स इन डिफरेंट कलर्स, और वो भी सिर्फ 89 रियाल में। आप देख सकते हैं ऑल ओवर सीक्वेंस वर्क है इन गाउन्स पर, और कलर्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, मरून है, गोल्डन है, और ये सिर्फ 89 रियाल में है। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ, मैं किसी भी ब्रांड का यहाँ पर कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं खुद अपनी ईद की शॉपिंग के लिए आई थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना ली, ताकि जो लोग रियाद में रहते हैं उन लोगों को भी मेरी वीडियोज़ के थ्रू थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। फेस्टिव कलेक्शन मुझे यहाँ का काफ़ी पसंद आया, जहाँ पर एक जगह एकदम हैवी पार्टी वेयर गाउन देखने को मिला। वहाँ पर ये सिंपल सा गाउन था जस्ट फॉर 139 रियाल। इसमें बहुत सारे कलर्स थे। ये है क्यूट सी ड्रेसेस इन डिफरेंट कलर्स। इसका फैब्रिक जो है वो सी थ्रू फैब्रिक है, लेकिन अंदर स्लिप दिया हुआ है, तो आपको लेना नहीं पड़ेगा अलग से। लेकिन ये वाला मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया, क्योंकि इसका फॉल जो था ना वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता बैठेगा। थोड़ा सा फ्लेयर नहीं है इसके अंदर, लेकिन बाकी के गाउन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और जिस हिसाब से यहाँ पर गाउन्स हैं उस हिसाब से मुझे उनके प्राइसेस बिल्कुल ठीक लगे। अब हम यहाँ चलते हैं फुटवेयर कलेक्शन पे। फेस्टिव कलेक्शन है और मुझे सेंटर पॉइंट का फुटवेयर कलेक्शन बहुत ही पसंद है। ईद के इस मौके पर सेंटर पॉइंट में जो फ़िलहाल फुटवेयर का कलेक्शन आया, मुझे लगता है इसका कोई मैच है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप फुटवेयर से मैच कर हैंडबैग्स ले सकते हैं, क्योंकि हैंडबैग्स का भी कुछ ऐसा ही कलेक्शन है। पार्टी वेयर कलेक्शन भी है, ऑफिस वेयर भी है, डेली वेयर भी है, मतलब हर एक डिज़ाइंस, वैरायटीज, हर एक कलर में यहाँ पर आपको फुटवेयर और हैंडबैग्स दोनों मिल जाएंगे। किटन हील्स में यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटीज मुझे देखने को मिल रही हैं, और बहुत ही प्रिटी हैं ये सारी की सारी। मैं देख रही हूँ अपने लिए वाइट शूज़, और मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, सी ब्रांड के हैं ये, देखते हैं कि मुझे कौन से पसंद आते हैं। तो हम लोग को जाना है ईद वाले दिन बाहर, तो उसी पर्पस से बेसिकली हम लोग आज शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो मुझे चाहिए थे प्योर वाइट शूज़, मिसी के मुझे पसंद आए, लेकिन यहाँ पर मैं और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हूँ। गैप के शूज़ देखे, फर्स्ट टाइम देखे मैंने, इससे पहले नहीं देखे यहाँ पे। क्या अच्छे लग रहे हैं कलरफुल से शूज़, स्टार्टिंग फ्रॉम 279। तो मुझे गैप का कलेक्शन बहुत 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 पसंद आया। यहाँ पर खूब सारी वैरायटीज़ हैं, डिज़ाइंस हैं, और उससे अच्छी बात है कि कलर्स आपको यहाँ पर सारे मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन मुझे चाहिए एकदम प्योर वाइट शूज़, सो लेट्स सी कौन सा लेती हूँ मैं। शॉपिंग हम अपने लिए करने जाते हैं, लेकिन बच्चों की शॉपिंग पता नहीं कैसी हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी खूब सारे हमने फुटवेयर ले लिए, मैंने अपने भी लिए, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स थी जो कि एक अफोर्डेबल प्राइसेज में थी, तो शाजू के लिए हम यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स लेने के लिए आए थे। सेंटर पॉइंट का कलेक्शन फिलहाल काफ़ी अच्छा है इन ऑल द सेक्शंस, जेंट्स, लेडीज़ एंड किड्स। तो यहाँ पर बच्चों के लिए कपड़े भी ले लिए, फुटवेयर भी ले लिए, मैंने अपने लिए भी लिया। और बिलिंग के लिए जा रहे थे, यहाँ पर मिल गया टॉयज़ सेक्शन, तो यहाँ पर बच्चे अटक कर रह गए। तो यहाँ पर वही कुछ कार्स और कुछ टॉयज़ देखे जा रहे थे। वैसे एक सच बात तो है, वो ये कि ईद की शॉपिंग का असली मज़ा जो है वो इंडिया के मार्केट्स में ही आता है। अपने ईद के कपड़े से मैचिंग ज्वेलरी लेना, उससे मैचिंग सैंडल्स लेना, उन सब का मज़ा ही अलग होता है। चांद रात वाले दिन जाके मेहंदी लगवाना, मतलब यहाँ पर तो हम लोग मॉल से शॉपिंग करते हैं अपने जस्ट दिल को खुश करने के लिए, लेकिन असली मज़ा जो है ना वो उसी में ही आता है। ये पर्स आपको अच्छा लग रहा है?
तो ये एक मिनी सा शॉपिंग व्लॉग था आप सभी लोगों के लिए। ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया आज, बच्चों को नींद आने लगी थी अभी, आई थिंक 2 बज गए थे, इसकी वजह से लेट भी हो गया था, तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाई। और अभी बज रहे हैं सुबह के 2 बोल सकते हैं, रात के 2, सुबह के 2 जो भी है। और रौनक देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा लगी है, पूरा मॉल अभी तक फुल चल रहा है, सारी शॉप्स खुली हुई हैं। और मेरे ख्याल में ये 3 बजे तक तो होता ही होगा, फूड कोर्ट तो 3 बजे तक होता है, शॉप्स चार बंद होने वाली हैं, लेकिन माशाल्लाह खूब रौनक लगी हुई है। तो ये था आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा लेट हो गया आज, तो इसकी वजह से ज़्यादा शॉपिंग नहीं हो पाई। हो सकता है कि हम परसों फिर से आएँ, तो इंशाल्लाह फिर से मैं बनाने की कोशिश करूँगी, व्लॉग आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिलहाल तो मैं व्लॉग एंड करती हूँ यहीं पर, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। निकाल रही हूँ तुमको बाहर।